नमस्कार। होली की शुभकामनाओं के साथ आप सबों का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। चलिए आज मैं आप लोगों को अमेरिका के पेट स्टोर ले चलता हूँ, देखते हैं यहाँ का पेट स्टोर कैसा होता है। ये देखिए एक्वेरियम है, इसमें विभिन्न तरह की मछलियां आपको दिखाई देंगी। ये विभिन्न तरह की मछलियों को अलग अलग रखा गया है। ये सिंगल सिंगल मछलियां हैं जो विभिन्न पॉट में रखे हुए हैं। ये विभिन्न तरह के खिलौने एक्वेरियम के अंदर रखने के लिए। ये दाहिने साइड में विभिन्न साइज के एक्वेरियम आपको मिल जाएंगे। ये देखिए बहुत सारे वैरायटीज हैं, अनेक अनेक साइज में एक्वेरियम। ये फिशेस को एक्वेरियम में डालने के लिए विभिन्न तरह के खाना। अब आइए बर्ड्स को देखते हैं। विभिन्न तरह के बर्ड्स हैं जिन्हें यहाँ से ख़रीदा जा सकता है। ये देखिए ये पैरट्स का एक नस्ल है, बड़ा ही सुंदर। देखिए यहाँ के लोग कैसे कैसे जानवरों को पालते हैं। इंडिया में तो मैंने किसी को नहीं देखा ऐसा। ये देखिए इसे भी लोग यहाँ से खरीद के ले जाते हैं और अपने घरों में रखते हैं। यहाँ के लोग चूहों को भी पालते हैं। ये देखिए चूहा, जिसको यहाँ हैमस्टर बोला जाता है, जो चूहा का एक प्रजाति है। ये एडॉप्शन काउंटर है, यदि आप कोई पेट्स खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से आपको हैंडओवर दिया जाएगा। पेट्स के लिए पौष्टिक आहार, ये विभिन्न तरह के शैम्पूज सब कुछ यहाँ उपलब्ध है, यहाँ से लोग खरीद के ले जाते हैं। विभिन्न पेट्स के लिए विभिन्न तरह का आहार है। ये स्टोर के अंदर ही पेट हॉस्पिटल बना हुआ है। पेट्स के लिए ग्रूमिंग सैलून यहाँ
लोग अपने पेट्स को लेके आते हैं, डॉग्स को, कैट्स को, सैलून यहाँ उपलब्ध है। ये पेट्स के लिए विभिन्न तरह के खिलौने यहाँ उपलब्ध हैं, लोग इन खिलौनों के साथ अपने पेट्स को ट्रेनिंग देते हैं। ये डॉग्स, कैट्स, इन लोग सब का बेड यहाँ उपलब्ध है, अलग बेड लोग रखते हैं अपने पेट्स के लिए। ये विभिन्न साइज का, विभिन्न क्वालिटी का, ये ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ लोग अपने पेट्स को ट्रेनिंग दिलवाने के लिए लाते हैं, यहाँ एक्सपर्ट होते हैं जो पेट्स को ट्रेनिंग देते हैं। ये पक्षियों के लिए विभिन्न तरह के केज या घोंसला कह सकते हैं, ये भी उपलब्ध है। ये देखिए, ये पौष्टिक आहार डाइट्स, यहाँ से अपने पेट्स के लिए आप खाना खरीद सकते हैं। ये बहुत सारे वैरायटीज हैं खाना के, उसके अलग अलग कंटेंट्स हैं, यहाँ से ख़रीदा जा सकता है। ये विशाल स्टोर, यहाँ फिश और रेप्टाइल्स के लिए फ्रोजन फूड लिया जा सकता है। विभिन्न पेट्स के लिए विभिन्न तरह के केज यहाँ उपलब्ध हैं। डॉग्स और कैट्स को अलग गोडाउन में रखा जाता है, जहाँ का वीडियोग्राफी नहीं लिया जा सकता, इसीलिए नहीं दिखा सका। आशा करता हूँ आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।